आपने इनवाइट किया है, तो गाने हैं, फिल्म्स हैं, जानकारी दीजिए इसके बारे में। देखिए, हमारे दो गाने अभी रिलीज हुए हैं, उसका प्रमोशन है, जिसमें एक ख्वाब से बाहर सर समय की तरफ ख्वाब से बाहर मुझे जरा, और दूसरा है आपका उसके क्या नाम अधूरा, इसका अधूरा, ठीक है, और इसका अधूरा जो है हमारे मूवी का सॉन्ग है, अधूरा इस करके एक मूवी, हम उसका ट्रेलर भी आज आएगा, और एक मूवी हमारी लालच प्यार एक धोखा, और एक मूवी बन के मेरी तैयार है द हाफ मून, इसी का प्रमोशन है। श्रेया फाउंडेशन तो जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पाते हैं, उनके हेल्प के लिए, जो शिक्षा इलाज में जिसको कमी आते हैं, जैसे पैसे के कारण किसी का इलाज ना हो पा रहा हो, हमें खबर मिले तो उसका हेल्प करते हैं। अभी हमने एक नया चीज़ चालू किया है श्रेया आसियाना के नाम से, जो हमारे यहाँ पहले हम अपने वर्करों में जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो लगन से इस कंपनी को बढ़ा रहे हैं और किराए के रूम में रहते हैं, वैसे 21 लोगों को जो है मकान दे रहे हैं फ्री, यानी वो किराए के रूम में आजीवन अभी तक है, उनके पास कोई भी कहीं भी जगह ज़मीन नहीं है, उनको दिया जा रहा है, जिसमें से अभी हमने 24 दिसंबर को जो हमारा इवेंट था फोर्थ राइजिंग डे वो दिन हमने 8 लोगों को दिया है, 2 लोगों को डिलीवर्ड हो चुका है और 6 लोगों को 2023-24 तक डिलीवर्ड करेंगे, वो लखनऊ का ऐसे ही। आज भी 3-4 नामों का यहाँ पर मौका होगा, और श्रेया फाउंडेशन के अंतर्गत हम शादी ब्याह के लिए भी गरीबों के उसके लिए भी करते हैं। दूसरा चीज़ श्रेया फाउंडेशन से हम हमारा श्रेया भारत अवार्ड, जो श्रेया भारत अवार्ड हम किसी से क्षेत्र से यानी किसी भी तरह के जर्नलिस्ट यानी जो अपने क्षेत्र में योगदान दिए हुए उनको हम जगह जगह पर बुलाते हैं, जैसे हम मुंबई में हमने शायद दो बार कर चुके हैं, बनारस में भी हो चुका है, लखनऊ में भी हो चुका है, हैदराबाद में भी हो चुका है, गुवाहाटी में भी हुआ है, वैसे ही हम जगह जगह अपना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ पे जो कलाकार हैं लोकल कलाकार हैं स्थानीय कलाकार जो अपने क्षेत्र में कला क्षेत्र में भी हो जर्नलिस्ट यानी हर तरह के क्षेत्र के लोगों को सम्मान के रहते हैं प्रोत्साहन देते बाकी और ग्रुप ऑफ कंपनीज में और श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज ये हमारी मेन कंपनी है, उसी का श्रेया फाउंडेशन भी है, श्रेया इंटरटेनमेंट भी है, श्रेया इंफ्रा हाइट्स के नाम से हमारा फ्लैट का प्रोजेक्ट है, श्रेया जी को बोल दीजिए उनके नाम से है, ये हमारे श्रेया जी के नाम से जी मैडम श्रेया बोलो बेटा आप बोलो ओके आप बोलो संगीता जी आप कुछ बाकी जितने टीम मेंबर्स हैं उनको और श्रेया इंफ्रा एंड मार्केटिंग के नाम से हमारा फ्लैट का प्रोजेक्ट है, श्रेया ज्वेलरी के नाम से हमारा गोल्ड का शोरूम है, श्रेया बाजार के नाम से हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो है कितने हैं मीडिया एंटरटेनमेंट में हम लोग ज़्यादा पुराने नहीं अभी 5 आप नहीं देते दो लोग अभी नहीं देते तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर, पहली बार हमने एक ट्रेलर फिल्म लॉन्च किया था और उसके बाद 3 एल्बम एक दिन हुआ था और आज नए दो आप लोगों का भी हम लोग और बातचीत करेंगे, कुछ मेहमान और आ रहे हैं और भी आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं हमारे यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट, हमारी फिल्म इंडस्ट्री इनका वेलकम करती है और अच्छे काम कर रहे हैं, सर्दियाँ हैं तो लोगों को कंबल भी बांटेंगे, बट आई ओनली होप जेन्युइनली दिल से ही कर रहे हैं, हम लोग तो गेस्ट आए हैं यहाँ पे, विशिंग एवरीवन अ हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पद्मिनी जी, आपको कैसे लगे इनके गाने और क्या कहना चाहेंगे, क्या विश? सबसे पहले तो बड़े स्क्रीन पर देखकर मज़ा अलग ही आता है, तो ये बहुत अच्छा किया आपने, कितना बड़ा स्क्रीन लगाया और हमें ये गाने दिखाए आपने, बहुत बढ़िया गाने हैं और बस यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ हेमंत जी, और इसी तरह अच्छे अच्छे गाने बनाते रहिए। आपकी ग्रुप करने वाला कोई वगैरह साथ में कुछ बात की?
अभी मिले हैं हम तो बात होगी जरूर। बुलाएंगे तो हाजिर हो जाएंगे। अब ऐसा है कि मैम आकर के और सर पहले तो अभी तक पर्दे पे ही देखे थे, आज पहली बार देखे तो श्रेया ग्रुप और श्रेया इंटरटेनमेंट, हम श्रेया ग्रुप की बात कर रहे हैं। श्रेया ग्रुप हर उन लोगों के लिए है जो कंपनी के साथ खड़ा होकर के कंपनी को सोचे और लोगों के बारे में सोचे, और ऐसे हर आदमी को हम अपनी इस कंपनी के अंदर, जैसे पंछी जी हमारी कंपनी में आए तो जाहिर सी बात है पंछी जी के पहले बहुत से लोग मिले लेकिन पंछी जी आए। क्यों? क्योंकि हमारे थोड़ा सा हम खटाते बहुत ज़्यादा आ जाए, लोग सोचते हैं लेकिन हम मजबूत करते हैं। और मैम और आपके लिए भी हम जरूर कुछ ना कुछ निकालेंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है आपकी, क्योंकि एक देखिए अनुभव बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके पास अनुभव होगा वो हमारे काम आएगा, इंडस्ट्री का इतने साल का अनुभव हमारे काम आएगा, हम सबको सीखने का सीखने का मौका मिलेगा।